आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 बिलियनर के मोस्ट एक्सपेंसिव कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास ऐसी ऐसी कार्स हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और इनकी कीमत सुनकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। तो अगर आप भी मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी कर दीजिएगा लाइक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रतन टाटा। रतन टाटा आज टॉप 10 बिलियनर की लिस्ट में तो शुमार नहीं होते, लेकिन इनके पास इतनी कंपनीज हैं जिसकी टोटल वेल्थ अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन से भी ज्यादा है और आज के समय में सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले व्यक्ति भी हैं। रतन टाटा की नेटवर्थ को देखा जाए तो 2024 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है करीब $5 बिलियन। लेकिन अगर हम इनकी कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास आज कई करोड़ों की लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। लेकिन रतन टाटा की कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार इनकी फरारी कार है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस कार की कीमत है 3,20,00,000 रुपए। नंबर 2, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी आज इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में गिने जाते हैं और ये इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 2024 के हिसाब से $115 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। और अगर हम इनकी कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास आज करीब 167 से भी ज्यादा का कार कलेक्शन मौजूद है और ये सारी की सारी कार्स लग्जरी और सुपर कार्स हैं। मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार अपने लाइफस्टाइल की वजह से काफी चर्चा में बना रहता है और ये अपने घर को भी लेकर काफी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। इनके घर को हम अंटीलिया के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वर्थ है करीब $2 बिलियन और इस घर में एक से बढ़कर एक लग्जरी और एक्सपेंसिव रूम्स बने हुए हैं। लेकिन अगर हम इनके कार्स कलेक्शन की बात करें तो इनके पास आज करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा का सिर्फ कार कलेक्शन है। लेकिन अगर हम इनकी सबसे महंगी कार की बात करें तो मुकेश अंबानी की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस फैंटम है, जिसकी प्राइस है $14 करोड़ और इन्होंने इसको अलग से मॉडिफिकेशन और कस्टमाइज करवाया हुआ है, जो कि एक कलर चेंजिंग कार है। नंबर 3, गौतम अडानी। गौतम अडानी आज इंडिया के नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में नंबर 3 पर हैं। गौतम अडानी के पास आज 7 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, जैसे कि अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी बहुत सारी कंपनीज ओन करते हैं। और आज के समय में गौतम अडानी की नेटवर्थ है $107 बिलियन और हम आपको बता दें कि ये कुछ मंथ पहले इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में शुमार हो चुके थे, लेकिन अब वो इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अगर इनकी कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास आज भी काफी तगड़ी कार कलेक्शन है और इनमें से सबसे इनकी महंगी कार है रोल्स रॉयस घोस्ट, जिसकी प्राइस है $8 करोड़। इसके अलावा गौतम अडानी के पास 3 प्राइवेट जेट और 2 हेलीकॉप्टर भी हैं। नंबर 4, शिव नादर। शिव नादर एक इंडियन बिलियनर होने के साथ साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और आज के समय में ये सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। ऐसे बताया जाता है कि ये रोजाना 3 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ फूड डोनेट करते हैं और आज के समय में शिव नादर की नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ आज 2024 में करीब $40 बिलियन है। तो आइए अब नजर डालते हैं इनकी कार कलेक्शन पर। तो इनके पास आज भी काफी तगड़ी कार कलेक्शन मौजूद है। इनकी सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 8 है, जिसकी प्राइस है $11 करोड़। नंबर 5, सावित्री जिंदल एंड फैमिली। ये एक इंडियनर बिलियनर पॉलिटिशियन एंड बिजनेस वूमन है और आज के समय में जिंदल कंपनी इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है और इनकी टोटल नेटवर्थ तो आज 2024 में करीब $29.1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो आइए बात करते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। सावित्री की सबसे महंगी कार वॉल्वो XC90 है, जिसकी प्राइस करीब $1 करोड़ है और आज के समय में वॉल्वो XC90 सबसे सेफेस्ट कार में से एक है। नंबर 6, दिलीप शांघवी। दिलीप शांघवी एक इंडियन बिलियनर बिजनेसमैन और सन फार्मास्यूटिकल के ओनर हैं। इनकी नेटवर्थ तो आज 2024 के हिसाब से करीब $25.7 बिलियन है। इनके पास आज करोड़ों का लग्जरी एक्सपेंसिव कार कलेक्शन मौजूद है, लेकिन इनकी सबसे महंगी कार है रोल्स रॉयस घोस्ट, जिसकी प्राइस है $8 करोड़। नंबर 7, साइरस एस पूनावाला। साइरस एस पूनावाला एक इंडियन बिलियनर एंड बिजनेसमैन है।
ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी में से एक है। साइरस एस पूनावाला की नेटवर्थ तो आज 2024 में करीब $25 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और दिन ब दिन इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल होती जा रही है। इनके कार्स की बात करें तो आज इनके पास कई करोड़ों की कार्स मौजूद हैं। इनके गैराज में दुनिया की एक से बढ़कर एक महंगी कार देखने को मिलेगी। इनके पास करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा का सिर्फ कार्स का कलेक्शन है। लेकिन अगर इनकी सबसे महंगी कार की बात करें तो इनके पास रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 2 है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस कार की प्राइस है 11 करोड़ रुपए। नंबर 8, कुशाल पाल सिंह। कुशाल पाल सिंह एक इंडियन रियल एस्टेट बिलियनियर हैं और ये DLF कंपनी के ओनर भी हैं। इसके अलावा इनके पास कई बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक भी हैं। इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा कई बड़ी कंपनीज में लगाया हुआ है और आज के समय में ये इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर की लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं। 2024 में इनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये करीब $21 बिलियन तक पहुंच गई है। इनके पास काफी अच्छा कार कलेक्शन मौजूद है, लेकिन इनकी महंगी कार मर्सिडीज मेबैक S580 है, जिसकी प्राइस है 3 करोड़ रुपए। नंबर 9, कुमार मंगलम बिरला। ये एक इंडियन बिलियनियर फिलेंथ्रोपिस्ट एंड बिरला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ इनके कई बिजनेस और दूसरी कंपनीज भी हैं। कुमार बिरला की नेटवर्थ आज 2024 के हिसाब से $19.6 बिलियन है और इनके पास भी काफी महंगी कार्स की कलेक्शन मौजूद है। लेकिन अगर हम इनके सबसे महंगे कार्स की बात करें तो कुमार मंगलम बिरला के पास रोल्स रॉयस घोस्ट है, जिसकी प्राइस है 8 करोड़ रुपए। नंबर 10, राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी को तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन आप डी मार्ट को तो जरूर जानते होंगे। राधा किशन दमानी डी मार्ट के ओनर हैं और आज के समय में इंडिया में डी मार्ट के टोटल 341 स्टोर्स हो चुके हैं और राधा किशन दमानी ने इस कंपनी की शुरुआत 2002 में की थी और देखते ही देखते आज ये इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में शामिल होते हैं और 2024 के हिसाब से इनकी टोटल नेटवर्थ है $18.3 बिलियन। और अगर बात करें इनकी महंगी से महंगी कार के बारे में तो इनके पास BMW X7 कार है, जिसकी प्राइस है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट बिलियनियर की महंगी से महंगी कार्स। इनमें से कौन सा बिजनेसमैन आपको इंस्पायर करता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है।